Hello everyone, I, Nancy Gupta, Assistant Professor, will deliver a lecture on topic gelatin, which is a major component for formulation of any type of capsule. So, detail study dekh lete about the gelatin. What is gelatin actually? Gelatin jo hota hai, basically ye heterogeneous product hai, jisse derive kiya jata hai from पार्शियल इरिवर्सिबल एंड हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन से. किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? हम करते हैं बेसिकली एनिमल कोलेजन का, और जो हमें ऑब्टेन होता है बाय द वेरियस सोर्सेज. तो दीज सोर्सेज आर एनिमल बोन्स, हाइड पोर्शंस, फ्रोजन पॉर्क स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ जिलेटिन. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द जिलेटिन, तो देन यू विल राइट फॉलोइंग. नाउ यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं डेफिनेशन. तो जिलेटिन इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ द कोलेजन डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन ऑफ एनिमल, एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश स्किन. So these are some sources and about the definition of gelatin. Now here we can see the what are the different types of the gelatin. So gelatin do type ka hota hai, type A and type B. Ab jo type, ab aapko pata hai ki jo aapka capsule hota hai wo two types ke hote hain, theek hai? Aur un dono types mein different type ke gelatin ka use karke hum कैप्सूल को फॉर्मुलेट करते हैं. तो हार्ड जिलेटिन अगर कैप्सूल बना रहे हैं तो वो बेसिकली हमें उस ऑब्टेन होता है बोन से. तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए बोन सोर्सेस है जिससे हम अपनी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को बना सकते हैं. तो द बोन जिलेटिन गिव्स थ्रू अ फर्म फिल्म विच टेंड टू बी हार्ड एंड ब्रिटल. और सॉफ्ट जिलेटिन की बात करते हैं तो सॉफ्ट जिलेटिन बनाने के लिए जो हमें जिलेटिन ऑब्टेन होता है वो पॉर्क स्किन से ऑब्टेन होता है. तो पॉर्क स्किन जिलेटिन गिव्स क्लैरिटी एंड प्लास्टिसिटी. दैट्स व्हाई सॉफ्ट जिलेटिन की जो कैप्सूल होती है विच लुक्स लाइक प्लास्टिसिटी एंड सॉफ्ट. दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ जिलेटिन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप ए एंड टाइप बी जिलेटिन. अगर टाइप ए की बात करते हैं तो ये हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम द बोन, और इसको हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द एसिड ट्रीटमेंट. और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है इज द रीजन ऑफ पीएच 9. टाइप बी की बात करते हैं, इट इज ऑब्टेन बाय द पॉर्क स्किन एंड विच कैन बी डिराइव फ्रॉम एल्कली ट्रीटमेंट. एंड इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इज नियर टू द रीजन ऑफ पीएच 4.7. नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ जिलेटिन. तो इट शुड बी ऑलवेज नॉन टॉक्सिक, इट शुड बी रेडली सॉल्युबल इन बायोलॉजिकल फ्लूइड एट द बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट इट शुड प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फिल्म. The wall thickness of hard gelatin capsule should about 100 micrometer. It has gelling power forming thermolabile gel. So this is about the ideal properties of gelatin. So here we can see the what are the sources of gelatin. तो sources की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो gelatin है हमारा protein है, और इसका 27% बोन से मिलता है, 28% बोवेन हाइट से मिलता है, 1% अदर चीज़ों से मिलता है एंड 44% पिग स्किन से मिलता है. तो दीज आर द मटेरियल यूज इन जिलेटिन प्रोडक्शन. अब हम समझ लेते हैं कि कैसे एक्सट्रैक्शन और कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जिलेटिन को फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेस. तो फर्स्ट है इसकी प्रोसेस एसिडुलेशन. तो इसके बारे में फ्लो चार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस स्लाइड में भी हम इसका फ्लो चार्ट को देखेंगे. बट बिफोर फ्लो चार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसेस जो हमें जिलेटिन
को ऑप्टेन करने में करने हैं। तो एसिडुलेशन में क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूस करना है हमें ओसिन और बाय रिमूविंग द मिनरल कंटेंट। हमें ओसिन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, मिनरल कंटेंट को रिमूव करने के लिए हम एसिडुलेशन प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से बोन से मिनरल जो कंटेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमें ओसिन ऑब्टेन हो जाता है। इनिशिएट करेंगे द हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन यहाँ पे प्रोसेस, और रिमूव करेंगे नॉन कोलेजन इम्प्योरिटीज को। तो डेट इज अबाउट द एसिडुलेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज वॉशिंग। तो वॉशिंग को हमें करनी है, रिंस करना है अप टू 24 आवर्स तक, और इस तरीके से रिमूव होगा एसिड सॉल्ट्स, फैट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट जान लेते हैं लाइमिंग क्या होता है। यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू रखना है हाइड्रोलाइजिंग प्रोसेस ऑफ कोलेजन, और इस तरीके से क्या रिमूव होगा, नॉन कोलेजन इम्प्योरिटीज, और कन्वर्ट होगा एस्पारजीन और ग्लूटामीन टू देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स में। तो दैट इज अ लाइमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट फिर हम वॉशिंग करते हैं। अब इस टाइप में वॉशिंग करने पे क्या रिमूव होगा, रिमूव होगा न्यूट्रलाइज ऑफ एक्सेस लाइम, और रिमूव होगा नॉन कोलेजन इम्प्योरिटीज, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा पीएच का ऑफ द ओसिन, फिर जिलेटिन का एक्सट्रैक्शन होगा। कैसे होगा, सोलिबलाइज करेंगे हाइड्रोलाइज कोलेजन को फ्रॉम द ओसिन। नेक्स्ट हम देख लेंगे फाइनल फिल्ट्रेशन में क्या होगा, क्लैरिफाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन को। उसके बाद इस तरीके से रिमूव हो जाएगा एडिशनल कोआगुलेशन प्रोटीन, एंड देन प्लेट एंड फ्लेम प्रेशर फिल्टर करेंगे। देन उसके बाद इसका पीएच एडजस्टमेंट करना है, जो कि हमें प्रोडक्ट का जो ऑब्टेन हुआ है उसका एडजस्ट करके पीएच 5 to 7 रखना है। फाइनल कंसंट्रेशन जो जिलेटिन की होगी वो इट शुड बी थिक जिलेटिन लेकर, और वो 25 to 50% विस्कस होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी स्टरलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि माइक्रोबियल इम्प्योरिटीज और प्रोडक्ट की हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी द प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन में की प्रोसेस कैसे फ्लो होती है जिलेटिन प्रिपेयर करने की, वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसको हम समझेंगे। तो जिलेटिन आप समझ चुके हैं कि टाइप बी और टाइप ए टाइप के होते हैं। टाइप बी जो जिलेटिन होती है ये हम ऑब्टेन करते हैं बाय द एल्कलाइन प्रोसेस से, और जो टाइप ए है वो हम ऑब्टेन करते हैं एसिड प्रोसेस से। अब आपको जिलेटिन बनाने के वेरियस सोर्सेज तो पता ही हैं। एक तो स्प्लाइट है। स्प्लाइट क्या होता है समझ लीजिए, एनिमल्स के जो कटे हुए पार्ट्स और जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं वो हो गया आपका स्प्लाइट। बोन्स जो एनिमल बोन है, और पिग स्किन जो पिग की स्किन है। तो टाइप बी में याद रखेंगे, जो टाइप बी जिलेटिन होती है वो हमें ऑब्टेन होती है बी से, बी को याद रखिए, तो बी से टाइप बी से बोन्स से बनाई जाती है, और टाइप ए कहाँ से ऑब्टेन होता है, पिग स्किन से। अब चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। तो हम पिग स्किन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर पिग स्किन आपके पास है तो उसको वॉशिंग करना है, ग्राइंडिंग, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, उसकी वॉशिंग करानी है, देन उसके बाद उसका स्टेज एक्सट्रैक्शन। इस तरीके से आपको जिलेटिन सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्प्लाइट से। स्प्लाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी वॉशिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, लाइमिंग की प्रोसेस होगी, देन उसके बाद उसकी वॉशिंग होगी, न्यूट्रलाइजिंग की प्रोसेस, स्टेज एक्सट्रैक्शन, एंड एट लास्ट आपको जिलेटिन ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोन से देख लेते हैं। बोन से कैसे प्रोसेस करानी है, ग्राइंडिंग, डिफैटिंग, वॉशिंग, मैसरेशन, एंड देन उसके बाद वॉशिंग करानी है, और उसको ओसिन प्रोसेस ऑब्टेन होगा। अब इस ओसिन से आपको क्या कराना है, यहाँ पे आपको बोन से लाइमिंग प्रोसेस करानी है, देन उसके बाद उसकी वॉशिंग, न्यूट्रलाइजिंग और स्टेज एक्सट्रैक्शन, तब आपको यहाँ पे जिलेटिन सॉल्यूशन मिलेगा।
और यहाँ से फिर से आपको इससे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, वॉशिंग की प्रोसेस होगी, स्टेज एक्सट्रैक्शन होगा एंड देन आफ्टर इस तरह से जिलेटिन सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से टाइप बी और टाइप ए जिलेटिन ऑब्टेन कर लेंगे। तो दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन। Now here you can see the gelatin manufacturing process. अगर हम gelatin की manufacturing की बात करते हैं तो अगर किसी pharmaceutical industry में gelatin की preparation की जाती है तो कैसे outsources से gelatin बनाने के लिए bones आती है industry में, then उसकी कैसे acidulation process होती है, lining की process तरह से होती है, washing की process होती है, तो various steps में कैसे complete होता है। Here you can see extraction, filtration, deionization, evaporation की process, filtration, cooling, तो these are step by step preparation, then last में blending की process है and then after एंड में इस तरीके से शिपिंग होती है। तो दीज आर कंप्लीट फ्लो ऑफ जिलेटिन इनकमिंग सोर्सेस जिनसे हम जिलेटिन बनाते हैं और एंड में कैसे उसकी शिपिंग होगी, ये हेयर यू कैन सी। दिस इज अबाउट द प्रोसेस हाउ जिलेटिन मेड इन द इंडस्ट्री। नाउ हियर यू कैन सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिलेटिन। तो इसमें फर्स्ट है आपका ब्लूम वैल्यू एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ का क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ जेलिंग पावर, ये जेलिंग पावर का मेजरमेंट है एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टिंग जेल, जो जेल होती है उस जो ऑब्टेन होगा उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर ब्लूम स्ट्रेंथ हाई होगा तो जो आपका कैप्सूल शेल है उसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है डेट विल ऑल्सो भी हाई। तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर हम कहेंगे तो वो भी हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जिलेटिन की जो स्ट्रेंथ काउंट होनी चाहिए या ब्लूम स्ट्रेंथ काउंट होनी चाहिए वो बेसिकली होनी चाहिए बिटवीन 50 to 300। तो दैट इज अ जिलेटिन फॉल्स बिटवीन 50 to 300 ब्लूम स्ट्रेंथ। नाउ हम देख लेते हैं व्हाट इज जेलिंग पावर। तो जेलिंग पावर इज द की फंक्शन ऑफ जिलेटिन, इट वेरीज एंड विच डिपेंड ऑन द ग्रेड्स ऑफ द जिलेटिन एंड इट्स मेजर इन टर्म्स ऑफ ब्लूम वैल्यू। The higher the bloom value, the greater the ability of the gel. Next हम देख लेते हैं what is viscosity over here. In general, higher the bloom, the greater the viscosity. अगर यहाँ पे भी ये बताया गया अगर bloom strength ज़्यादा है तो viscosity भी ज़्यादा होगी। तो जो beef bone होती है उस grades की जो viscosity होती है वो high होती है। Viscosity determined by the measurement of flow time of solution and जिसको हम U-tube viscometer से test कर सकते हैं और measure कर सकते हैं। तो viscosity measurement should be between or it is varies, it should be between 20 to 30 millipoise और इसकी unit है millipoise। अब फॉर्मेबिलिटी देख लेते क्या होता है। इन जनरली पिग स्किन्स ग्रेट एंड अ हायर एंड बोट बेटर फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। तो अगर हम बात करते हैं पिग स्किन की तो उसकी जो फॉर्मिंग प्रॉपर्टी होती है वो बेटर होती है। जिलेटिन लोअर्स द सरफेस टेंशन एंड विच अलाउ फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर एंड इट विल स्टेबलाइज द फोम ऑल्सो। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंस। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा तो जिलेटिन जल्दी डिजॉल्व होगा माउथ में और इस तरीके से वो जल्दी रिलीज करेगा फ्लेवर्स को और जिससे उसका सेंसेशन और टेस्ट का सेंसेशन इंस्टेंट हो जाएगा। अगर लोअर ब्लूम ग्रेट है उससे
उसकी मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाएगी। कलर एंड ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जिलेटिन में कोई भी तरह का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। जिलेटिन को हमेशा क्लियर होना चाहिए, जिलेटिन का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसकी क्लैरिटी को मेजर करने के लिए हम टर्बिडिमीटर का यूज़ करते हैं। पीएच की बात कर लेते हैं, तो पीएच इज़ मेजर्ड यूजिंग अ पीएच मीटर ऑन अ 1% सॉल्यूशन। 1% सॉल्यूशन लेके हम पीएच मीटर में पीएच चेक कर लेंगे। नाउ हियर वी कैन सी द व्हाट इज द मेडिसिनल यूज ऑफ द जिलेटिन। तो जिलेटिन का मेडिसिनल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और जिलेटिन का क्वेश्चन और जिलेटिन रिलेटेड क्वेश्चंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, जी पैट एंड वेरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो नेक्स्ट हम देख लेते क्या है यूज़। तो उसमें टैबलेट कोटिंग में यूज़ होता है, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन में तो आप देख ही रहे हैं कि इसका यूज़ होता है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, सपोजिटरीज की प्रिपरेशन में, टैबलेट बाइंडिंग में यूज़ करते हैं, विस्कोसिटी को इंक्रीज करने में, सेमी सॉलिड के प्रिपरेशंस में करते हैं, वुंड्स ड्रेसिंग में इसका यूज़ होता है, स्टेराइल फिल्म्स, ऑफ्थैल्मिक फिल्म्स, स्टेराइल पाउडर्स बनाने में यूज़ होता है, जेलिंग एजेंट्स की तरह यूज़ होता है, टॉर्चेस एंड पेस्टिल्स में यूज़ होता है, जिलेटिन इमल्शन में भी जिलेटिन का यूज़ होता है। तो दीज आर द वेरियस यूज़ और मेडिसिनल यूज़ ऑफ जिलेटिन। Now here I am